हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपसे बात करूँगा एक ऐसी टैबलेट के बारे में जो बहुत प्रसिद्ध रहती है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अपने भाई के बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फैजान मलिक और आप देख रहे हैं फैजू की टिप्स। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको इस सीज़न में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या फेस होती है, या जब भी आपको फेस होती है, मैं बताता चलूँ साथ के साथ आपको, कि जो गले में खराशें पड़ने वाली प्रॉब्लम आती है। तो आपके अगर गले में खराशें हो रही हैं, आपने अगर मान लो जैसे मैंने टैबलेट की वीडियो बना रखी मोंटासेल, तो अगर आपने लिवोसिट्रिजिन एंड मोंटिलोकास टैबलेट का इस्तेमाल कर चुके हैं फिर भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या इस्तेमाल करूँ जिससे मेरी गले की खराशें या गले में जो खिचखिच हो रही है वो दूर हो जाए। वैसे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कोई बताएगा बिक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, ऐसे बताता। कोई बताएगा कि ये टैबलेट इस्तेमाल कर लो, कोई कुछ बताएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको अल्टीमेट रिजल्ट देने वाली मैंने वीडियो बना रखी है मोंटासेल के नाम से, वो गले की खराशों में सबसे बेहतरीन काम करती है। एलर्जी की जितने भी रिएक्शन होते हैं सब में बेहतरीन काम करती है। तो ये गले में जो खराशें होती हैं ये भी एक तरीके के एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। अब फिर भी आपके अगर माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि यार हम क्या करें, क्या चीज़ परचेस करें, तो आपके लिए मैं एक ऐसी टैबलेट बताऊँगा जो आपको अल्टीमेट रिज़ल्ट देगी, और वो आप कम एज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी ज़्यादा एज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बने रहना मेरे साथ वीडियो के एंड तक, मैं आपको सारी डिटेल दूंगा। तो आपको मार्केट में जाएंगे तो आपको हर जगह अवेलेबल मिलेगी। तो मैं आज आपसे बात करूँगा एजिथ्रोमाइसिन 500 mg के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया, तो मैं आपसे बात करता हूँ इसके कंटेंट्स की। तो इसके अंदर 500 mg, मतलब 500 mg एजिथ्रोमाइसिन मिक्स किया रहता है, और वही है कि आपको लाइट से और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना है, बच्चों की पहुँच से दूर रखना है, ये आप देख सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक हैवी एंटीबायोटिक होता है, और साथ के साथ आपके ये गले में जो प्रॉब्लम आती है उसको काफ़ी हद तक दूर कर देता है। तो अगर आपके गले में खराशें हो रही हैं तो आप सबसे पहले जिस तो ये सावधानी रखें कि गर्म पानी का इस्तेमाल करें। गर्म पानी में नमक डाल के गरारा करा करें, दिन में 3-4 बार चावल ना खाया करें। ये सबसे पहले जिस तो आपको सावधानी ध्यान रखना है। उसके बाद भी अगर आपने मोंटासेल टैबलेट का इस्तेमाल कर चुके हैं, नहीं कोई फ़ायदा हो रहा है, तो आप इस टैबलेट को इस्तेमाल कर लें। आप कि ये अल्टीमेट गारंटी के साथ दे कह सकता हूँ मैं कि आपको अल्टीमेट रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। ये गले में प्रॉब्लम जितनी भी होती है सारी सॉल्व हो जाएंगी। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ इस टैबलेट की डोज़ की साथ के साथ। तो इसकी एक मैं आपको ये बताऊँ कि इसकी एजिथ्रोमाइसिन 250 mg भी आती है, वो आप चाहें तो आप वो भी ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन परचेज़ कर सकते हैं। ये दोनों टैबलेट हर मेडिकल स्टोर पर हर जगह मिल जाएंगे। और अब मैं आपसे बात करता चलूँ इस टैबलेट की डोज़ की। जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर आपकी एज 15 साल है तब आप इस टैबलेट को फुल लेंगे, अदरवाइज़ अगर आपकी एज कम है तो आप 250 mg की टैबलेट में, जैसे मैंने बताया, आप उसको परचेज़ कर लें, और नहीं तो आप इस टैबलेट को हाफ़ कर लें। ये दोनों तरीके की टैबलेट आप कहीं से ही परचेज़ कर लें, लेकिन आपको डोज का ये जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपको ज़्यादा अपनी तरफ से दिमाग ना लगाएं। और अगर आपकी एज 15 साल से ऊपर है जैसे मैं बता रहा था, तो आप फुल टैबलेट लेंगे, लेकिन वो भी आपको दिन में 2 टाइम लेनी है, सुबह और शाम, 3 टाइम आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम मैंने अभी तक आपको बताई है मैंने, ये गले में प्रॉब्लम जो मोंटासेल के बावजूद भी आपकी ख़त्म नहीं हो रही है, तो आपको अल्टीमेट रिज़ल्ट मिलेगा। ये आप खुद देखेंगे कि यार चमत्कार सा होता हुआ दिखेगा। तो अब मैं आपसे बात कर लूँ इस टैबलेट के साइड इफेक्ट की। टैबलेट आपको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करनी है, और हाँ, इसका साइड इफेक्ट लीवर पर भी नहीं देखा जाता अभी तक कोई भी, लेकिन ओवरडोज फिर भी आपको नहीं करनी है, सावधानी के साथ इसका इस्तेमाल करना है आपको। और किडनी पर भी इसका कोई साइड इफेक्ट देखा नहीं गया है। आँखों के सामने अंधेरा या चक्कर आना या हैवी मशीनरी या कोई इस्तेमाल करना जिसमें मानसिक फोकस हो, उसमें कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आती। लेकिन हाँ, इसका इतना रहता है कि आप अगर ओवरडोज कर देंगे या अगर ओवरडोज नहीं भी करेंगे, तो कुछ लोगों के साथ ये चांस देखे जाते हैं कि ये थोड़ी सी पेट में गड़बड़ी कर देती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जैसे मैंने कल वीडियो बनाई थी जाइनोल वाली, जेनेटिडिन 150 mg वाली, वो आप परचेज़ कर लें, इसके साथ में वो मिक्स कर लें, या पेंटॉप टैबलेट ले लें, वो भी मैंने वीडियो बना रखी है, या कोई भी अच्छा गैस टॉपिक कैप्सूल वगैरह ले सकते हैं आप, DSR कोई सा भी अच्छा। तो इसका आपको ये जो पेट ख़राब होने वाली प्रॉब्लम है वो भी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ इस टैबलेट की कंपनी की। तो ये मेरे पास सिप्ला कंपनी की है। ये आपको सिप्ला की, तो चलो हो सकता है आपके एरिए में ना मिले, लेकिन हाँ ये है कि आपको किसी अच्छी कंपनी की आप परचेज़ जब करेंगे तो आपको हर अच्छी कंपनी की मिल जाएगी, और ज़्यादातर कंपनियाँ इसको मैन्युफैक्चर करती हैं। आप किसी अच्छी कंपनी की परचेज़ करें, चाहे मैनकाइंड की ले लें या लुपिन की ले लें, बहुत सारी कंपनियां, आप जितनी अच्छी कंपनियां हैं टॉप ब्रांड, उन कंपनियों में से किसी एक कंपनी परचेज़ कर लें। अब मैं आपसे बात करता चलूँ इस टैबलेट की लास्ट में MRP की।
तो ये 10 टैबलेट का स्टेप है, आप देख सकते हैं ये येलो कलर की है हल्की हल्की। तो आप 10 टैबलेट का स्टेप आप जब परचेज़ करने जाएंगे तो ये आपको 180 रुपये 170 रुपये के आसपास मिलेगा। ये मेरे पास जो है ये 180 रुपये के आसपास इसकी MRP है। आप ये टैबलेट कहीं से ही परचेज़ करेंगे तो आपको ये थोड़ी कॉस्टली ही मिलेगी, 17-18-15 रुपये से कम की टैबलेट आपको नहीं मिलेगी किसी भी कंपनी की आप परचेज़ कर लें। तो ये थोड़ी कॉस्टली रहती है, लेकिन ये जो गले में परेशानी है ये सॉल्व हो जाती है, क्योंकि ये एक हैवी एंटीबायोटिक के साथ साथ एजिथ्रोमाइसिन का काम होता है कि गले की खराशों को और खिचखिच को दूर करना। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ के साथ शेयर कर देना। और आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो जो मैं ना बता पाया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं वहाँ पर उसका रिप्लाई दे दूँगा। चलिए कल फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।